बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एंड लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फिश गिल्स एंड इट्स वेरिएशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस। दिस इज़ द कोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी विच इज़ सूटेबल फॉर MSc एंड BS जूलॉजी क्लासेस। Now let's have a look on fish gills. Fish gills can be defined by this way, that fish gills are organs that allow fish to breathe underwater. यानी ये ऐसे organs हैं जो fish को help करते हैं कि वो पानी के नीचे जो है वो सांस ले सके या gases को जो है वो exchange कर सके, यानी oxygen को ले जा सके अपनी body के अंदर और carbon dioxide को बाहर निकाल सके. They can also be defined in another way, like gills are the main site of gas exchange in almost all fishes. ये भी इसको define किया जा सकता है इस तरीके से भी कि they are the main site of gas exchange in almost all fishes. अगर हम इनकी composition की बात करें तो gills बने किस चीज़ से होते हैं? They consist of bony or cartilaginously stiffened arches. यानी जो गिल्स होते हैं इसके अंदर अगर हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि गिल्स जो हैं इनके अंदर एक गिल आर्च होती है, फिर गिल रैकर्स पाए जाते हैं और गिल फिलामेंट्स होते हैं मोस्टली. यानी गिल्स के अंदर ये थ्री स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिससे गिल्स बनते हैं. तो गिल्स बेसिकली जो हैं बोनी फिशेज़ के अंदर एक ढक्कन नुमा एरिया इनके बाहर लगा होता है, एक फ्लैप लगा होता है जिसको ऑपरकुलम कहा जाता है, जिसके नीचे छुपे होते हैं. तो अगर गिल्स के फंक्शंस के हवाले से बात करें तो ये सेकंड लाइन आप देख सकते हैं कि मोस्ट फिश एक्सचेंज गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग गिल्स दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर गिल कवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेरंक्स. तो उनका जो फेरंक्स है उसके दोनों साइडों पे जो है फिश के माउथ के बिहाइंड जो है वो गिल्स पाए जाते हैं, जिनकी प्रोटेक्शन क्या करता है गिल कवर्स, जिसको हम ऑपरकुलम भी कह सकते हैं. सो फिश ब्रीद थ्रू गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स. लंग फिशेज तो लंग्स से भी रेस्पायर कर रही होती हैं, चलें वो तो एक डिफरेंट ग्रुप है डिप्नोई जैसे हैं लंग फिशेज का, बट मोस्टली फिशेज रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स. जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल्स फिश नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. बिकॉज दे लिव इन वाटर दे हैव इवॉल्व्ड गिल्स. मोस्ट फिश हैव फोर गिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड. यानी मोस्टली फिशेज जो हैं इनके अंदर फोर पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ जो फिशेज हैं उनके अंदर फाइव पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज हैं सिक्स भी उनमें हो सकते हैं, सेवन तक भी हो सकते हैं, लेकिन जो बोनी फिशेज हैं दे हैव मोस्टली फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, कभी कभार फाइव तक भी इनमें चले जाते हैं. और इसी तरह से जो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फिशेज उनके अंदर भी गिल्स की जो है वो यानी कि जो नंबर ऑफ गिल्स वेरी करता है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ गिल. अब ये देखें इस स्लाइड के अंदर कि गिल का जो कवरिंग है, गिल कवरिंग ओपरकुलम यानी जो है उसको ओपन किया गया है, और नीचे आपको ये गिल फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं. इन गिल फिलामेंट्स के पीछे क्या है? गिल आर्च है जिसके आगे ये गिल फिलामेंट्स लगे हुए हैं बारीक बारीक. ये थिन फाइबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द गिल फिलामेंट्स. तो इस तरह से ये गिल फिलामेंट्स हैं और ये पेयर्स आपको गिल्स के नेक्स्ट स्लाइड में वाजिया नज़र आएंगे, वो आपको दिखाते हैं. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द फोर पेयर ऑफ गिल्स इन अ फिश. अब ये जो फोर पेयर ऑफ गिल्स हैं अगर आप देखें तो ऑपरकुलम को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, तो यहाँ पे इन गिल्स के अंदर जो ये रेडिश आपको ब्रीक ब्रीक थिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द गिल फिलामेंट्स. इनके पीछे जो ये वाली एक बोनी स्ट्रक्चर नज़र आ रही जिसके साथ ये अटैच हुए हुए थे दिस इज़ नोन एज गिल आर्च. और उसके पीछे की तरफ ये जो आपको कुछ एजिस नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ निकले हुए वाइटिश जो हिस्से नज़र आ रहे हैं दीज आर नोन एज गिल रैकर्स. यानी ये गिल रैकर्स हैं, उसके बाद गिल आर्च होती है, और गिल आर्च के आगे ये जो रेडिश कलर के हैं बारीक बारीक थिन फिलामेंट्स इनको क्या कहते हैं? गिल फिलामेंट्स. तो इस तरह से गिल्स आर कंपोज ऑफ दीज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स इन मोस्ट ऑफ द फिशेज, गिल रैकर्स, गिल आर्चिस एंड गिल फिलामेंट्स. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन फिश, के फिश किस तरह से वाटर के अंदर रेस्पायर करती है
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है फिश के माउथ के ज़रिए से, जो फिश अपने माउथ से लेके ऑक्सीजन रिच वाटर को जाती है और उसको पंप करती है अपने गिल्स की तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड पंप इट ओवर देयर गिल्स। तो इस तरह से वो अपने गिल्स के अंदर इस वाटर को पंप करेगी। एज वाटर पासिस ओवर द गिल फिलामेंट्स, ब्लड इन साइड द कैपिलरी नेटवर्क पिक्स अप द डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब जब फिश की माउथ से ब्लड होता हुआ फिश के गिल्स की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे जो गिल फिलामेंट्स हैं वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो गिल फिलामेंट्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा चूंकि होती हैं, तो वो क्या करेंगी उस वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे कैपिलरीज के अंदर चले जाएगी। द सर्कुलेटरी सिस्टम देन ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी टिश्यूज़ एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। अब इसमें फिर वो जो ऑक्सीजन रिच वाटर आया था उसमें से ऑक्सीजन अब कहाँ पे चलेगी, गिल्स में से। अब गिल्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो फिश का है यानी जो उसकी आर्टरीज हैं डॉर्सल एओर्टा जो है उसके ज़रिए से क्या होगा, फिश की बॉडी की तरफ उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है भेज दिया जाएगा और जो पूरी बॉडी में फिश की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिश जो है वो वाटर के अंदर रेस्पायर कर रही होती हैं। वाइल पिकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द गिल्स। अब इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो गिल्स में से जब बाहर निकलता है तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन यानी कि जो है आपको पता है कि फिश के जो गिल्स की तरफ ऐसा ब्लड लाया जाता है जो कि ऑक्सीजन पुअर होता है। जब उस ब्लड को फिश के गिल्स की तरफ लाया जाएगा तो वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चूँकि ज़्यादा होगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा और वाटर के थ्रू जो ऑक्सीजन आएगी वो गिल्स के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी या ब्लड के अंदर गिल्स में जाके। आफ्टर द वाटर फ्लोज थ्रू द गिल्स इट एग्जिट्स द बॉडी ऑफ द फिश थ्रू द ओपनिंग्स इन द साइड्स ऑफ द थ्रॉट और थ्रू द ओपरकुलम। अब जब फिश ने वाटर का माउथ ओपन करके वहाँ से लिया है, अब इस वैसे मैकेनिज्म को कुछ इलास्मोब्रैंक्स या ओपन ओशन बोनी फिशेज जैसे ट्यूना है उसके अंदर माउथ के ज़रिए से जो वाटर की रेस्पायरेशन फिश इस तरह कर रही होती है, इसको रैम वेंटिलेशन भी कहा जाता है, जिसमें फिश अपना माउथ ओपन रखती है और इस तरीके से वो वाटर को जो है वो अंदर लेके जाती रहती है, ऑक्सीजन रिच वाटर जो होता है, और अपने गिल्स के अंदर से बाहर निकालती रहती है। तो अब ये वाला जो वाटर है ये जो है थ्रोट की दोनों साइड्स पे जो ओपनिंग है, जैसे इस तरफ आपको ये गिल्स नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी फिश की जो है दूसरी साइड पे भी गिल्स पाए जाते हैं और इनके ऊपर क्या होता है एक बोनी कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज ओपरकुलम विच इज़ अ फ्लैप यूजली फाउंड इन द बोनी फिश दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द फिश गिल्स। अब जो बोनी फिशेज होती हैं उनके गिल्स के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है दैट इज़ नोन एज ओपरकुलम। तो बाकी जो फिशेज हैं जैसे शार्क्स और लैम्प्रेज हैं इनके अंदर ओपरकुलम गिल्स के ऊपर नहीं पाया जाता है बट दे हैव मल्टीपल गिल ओपनिंग्स। अब ये बोनी फिशेज के अंदर जो है यहाँ पे आप सिंगल गिल ओपनिंग देख रहे हैं इस तरफ भी और दूसरी साइड पे भी बॉडी के, जबकि जो शार्क्स और लैम्प्रेज वगैरह हैं दे हैव मल्टीपल गिल ओपनिंग्स। हाउएवर बोनी फिश लाइक रोहू हैव अ सिंगल गिल ओपनिंग ऑन ईच साइड। तो ये डिफरेंस है शार्क्स का और लैम्प्रेज वगैरह का बोनी फिशेज से कि उनके अंदर मल्टीपल गिल ओपनिंग्स पाई जाती हैं साइडों के ऊपर, जबकि इनके अंदर इस तरह से नहीं होता है बोनी फिशेस के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकानिज़म ऑफ गैस एक्सचेंज इन फिश। तो इस मैकानिज़म ऑफ गैस एक्सचेंज में ये एक साइड पे अगर आप फिश के देखें तो ओपरकुलम के नीचे उसके गिल्स हैं, उन गिल्स को एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है, जूम करके दिखाया गया है, एंड दीज गिल्स हैव गिल आर्च एज इज़ शोन इन दिस डायग्राम। और ये गिल आर्च के आगे क्या है, गिल फिलामेंट्स हैं। अब ये गिल फिलामेंट्स को भी एक इसका छोटा सा पोर्शन जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये किस तरह के होते हैं। तो गिल फिलामेंट्स को अगर हम जूम करके देखें तो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोट्रूजन्स विच आर नोन एज लमेला। यानी गिल फिलामेंट जो होते हैं इनके अंदर लमेला पाए जाते हैं बेशुमार, और ये लमेला आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर एक तरफ जो ब्लड की फ्लो है ऑक्सीजन पूर ब्लड की है जो कि आपको ब्लू से दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ इसके अंदर क्या है ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि वो मूव कर रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड की फ्लो है ना, कि एक तरफ को ब्लड जो आ रहा है ऑक्सीजन पूर आ रहा है और वाटर फ्लो इसके बिल्कुल दोनों के ऑपोजिट है, यानी ऑक्सीजन पूर ब्लड के अंदर से इधर से होता हुआ वाटर उस तरफ जा रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड की तरफ, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसके डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है
ऑक्सीजन पूर ब्लड की डायरेक्शन के, यानी दोनों को एरो से अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। और इस तरह के हम मैकेनिज्म को क्या कहते हैं जिसमें ब्लड ओपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और वाटर भी उनकी ओपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, दिस इज़ नोन एज काउंटर करंट फ्लो, जिसमें वाटर का और ब्लड का जो है वो ओपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जिससे मैक्सिमाइज सेचुरेशन हो सकती है ब्लड की विद ऑक्सीजन। जो वाटर ऑक्सीजन रिच वाटर है वो क्या करेगा, ब्लड को मैक्सिमली सेचुरेट कर देगा विद ऑक्सीजन। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं काउंटर करंट फ्लो या काउंटर करंट मैकानिज़म। यानी हम कह सकते हैं द रोज ऑफ गिल फिलामेंट्स हैव मैनी प्रोट्रूजन विच आर नोन एज गिल लमेले। गिल लमेले की आप ये डेफिनेशन करेंगे, ये जो आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज गिल लमेले। द फोल्ड्स आर केप्ट स्पोटेड एंड मॉइस्ट बाय द वाटर दैट इज़ कॉन्टिन्यूअली पम्प्ड थ्रू द माउथ एंड ओवर द गिल्स। अब ये वाला जो फोल्ड्स हैं इनको जो है वो मॉइस्ट किस तरह से रखा जाता है, उस पानी के ज़रिए से जो माउथ से फिश भी ले रही है और जिसको अपने वो गिल्स के अंदर से भी गुजार रही है। तो इस तरीके से गिल फिलामेंट्स के अंदर से यानी गिल आर्चीज के थ्रू से होता हुआ वाटर जो बाहर की तरफ पंप कर दी जाएगा गिल्स के थ्रू से, लेकिन उस वाटर में से जो ऑक्सीजन होगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रैप कर ली जाएगी यहाँ पे जो आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये क्या करेंगी उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगी उस वाटर में ऐड कर देंगे जो यहाँ से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। जो ब्लड ऑक्सीजन पूर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और ब्लड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो इस वाटर से क्या करेगा ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है वो जो है एफिशिएंट यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विद इन द लमेले। यानी फिश हैव एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द लमेले विच मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द लमेले। यानी एक तरफ जो है कंसंट्रेशन बेशुमार ज़्यादा ऑक्सीजन की होगी, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि एक तरफ एक चीज़ की पहले ही मिकदार ज़्यादा हो और उसकी तरफ मजीद जो है चीज़ को भेजा जाए, यानी उसके कंसंट्रेशन के क्रॉस उसको भेजा जाए, दिस इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब इसमें जो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर अगर हम देखें जो मैकेनिज्म पाया जाता है ओपोजिट डायरेक्शन का, तो इसको हम क्या कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। सो वी कैन डिफाइन दिस एज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर फ्लो पास्ट द गिल्स इन द ओपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड इज़ नोन एज काउंटर करंट फ्लो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पास्ट द गिल्स इन द ओपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड, यानी ब्लड के बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन में जो है वाटर मूव कर रहा होगा, एंड दिस इज़ नोन एज काउंटर करंट फ्लो, मीन्स दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन एट 3 times the रेट अ ह्यूमन कैन। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन को 3 गुना ज़्यादा ट्रैप कर सकता है काउंटर करंट फ्लो होने की वजह से, ये जो कैपिलरीज का यहाँ पे नेटवर्क नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इसमें ब्लड ओपोजिट डायरेक्शन में है, वाटर की डायरेक्शन जो है फ्लो की वो ओपोजिट है। सो एज द ब्लड फ्लोज इन द ओपोजिट डायरेक्शन टू द वाटर इट ऑलवेज फ्लोज नेक्स्ट टू द वाटर दैट हैज़ गिवन अप लेस ऑफ इट्स ऑक्सीजन। सो इन दिस वे the blood is absorbing more and more oxygen as it moves along even as the blood reaches the end of the lamella and is 80% or so saturated with oxygen it is flowing past water which is at the beginning of the lamella and is 90 or 100% saturated therefore even when the blood is highly saturated having flowed past most of the length of the lamella there is also a concentration gradient and it can continue to absorb oxygen from the water. Now if we talk about the number of gills in a fish, sharks and rays typically have 5 pairs of gills slits that open directly to the outside of the body, though some more primitive sharks have 6 or 7 pairs. यानी हम कह सकते हैं कि शार्क्स और स्केट्स जो होती हैं इनके अंदर नॉर्मली कितने होते हैं, यानी कार्टिलेजिनस फिशेज हैव नॉर्मली 5 pairs ऑफ गिल स्लिट्स दैट ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दो सम मोर प्रिमिटिव शार्क्स हैव 6 or 7 pairs। जैसे अब 6 gill slits जिस शार्क के अंदर पाए जाते हैं उसका नाम है बिग आइड 6 gill shark, जिसकी आपको डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द बोनी फिश स्पीशीज हैव 5 pairs of gills। अब जो बोनी फिशेज हैं दे हैव 5 pairs of gills
लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे अब रोहू है या बाकी फ़िशीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं बोनी फिशीज़ के अंदर, यानी 5 तक मैक्सिमम इसकी जो है वो क्वांटिटी हो सकती है गिल्स की। कि 5 पेयर से मुराद ये कि एक अगर इस डायरेक्शन में है फ़िश के, यानी कि एक राइट साइड पे, तो एक लेफ़्ट साइड पे फ़िश की जो पोरिकुलम है उसके नीचे भी गिल्स वैसे ही पाए जाएंगे। ऑल्दो अ फ्यू हैव लॉस्ट सम ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई तो कुछ फिशेज़ के अंदर गिल्स की तादाद भी, गिल्स पेयर्स की कम होती चली गई, जैसे 3 भी हैं कुछ में, 4 हैं कुछ में, 5 हैं, इस तरह से। लेकिन मैक्सिमम बोनी फिशेज़ के अंदर 5 पेयर्स ऑफ गिल्स हो सकते हैं। गिल्स ऑफ मोस्ट टिलियोस्ट फिश आर टिपिकली कंपोज ऑफ 4 पेयर ऑफ गिल आर्चीज़। अब जो टिलियोस्ट फिशेज़ हैं यानी बोनी फिशेज़ के अंदर जो टिलियोस्ट मॉडर्न फिशेज़ का ग्रुप है, दे आर सपोर्टेड बाय अ बोन स्केलेटन, तो इनके अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। बट अमंग द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ प्रेजेंट डे वर्टिब्रेट्स आर द साइक्लोस्ट्रॉम्स। अब आपको पता है कि जो साइक्लोस्ट्रॉम्स हैं राउंड माउथ वाली फिशेज़ हैं, जो कि प्रिमिटिव फिशेज़ का एक ग्रुप है जिसमें लैम्प्रेज और हैग फिशेज आ जाती हैं, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में जिनकी डिटेल बताई थी। द गिल स्ट्रक्चर ऑफ विच आर इन द फॉर्म ऑफ पाउचीज दैट कनेक्ट्स इंटरनली विद द फेरेंक्स, यानी इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो गिल्स हैं वो गिल पाउचेस के अंदर पड़ी होती हैं, जो कि फ़िश के फेरेंक्स के साथ ही इंटरनली कनेक्ट की होती हैं एंड ओपन आउटवर्ड थ्रू स्लिट्स, और स्लिट्स के ज़रिए से ओपन होते हैं, जो साइडों पे इसके अंदर छोटे छोटे स्लिट्स यानी बने होते हैं वहाँ से वो गिल्स बाहर की तरफ ओपन होती हैं। आइदर बाय अ फ्यूजन ऑफ द एक्सकरंट गिल डक्ट्स इन टू अ सिंगल ट्यूब एज इन केस ऑफ मिगजीन, और इंडिविजुअली बाय सेपरेट गिल स्लिट्स इन पेट्रोमाइजोन। अब ये जो मैगजीन और पेट्रोमाइजोन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे ये किस तरह की फ़िशेज़ हैं, यानी ये सी की आगे जो हैं वो टाइप्स हैं, यानी जो प्रिमिटिव फ़िशेज़ हैं साइक्लोस्ट्रॉम्स उसके ये ग्रुप्स के नाम हैं, मैगजीन है, पेट्रोमाइजोन है। द गिल लमेले ऑफ साइक्लोस्ट्रॉम्स फॉर्म अ रिंग अराउंड द मार्जिन्स ऑफ द गिल सैक, यानी जो गिल लमेले हैं इसके जो आपको लास्ट स्लाइड में आपने देखे थे वो क्या करते हैं, गिल सैक के इर्द गिर्द एक रिंग बनाते चले जाते हैं, इसी वजह से ये जो सैक लाइक एंड द सीरीज ऑफ सैक्स इज सपोर्टेड इन अ फ्लेक्सिबल ब्रैंकियल स्केलेटन। ब्रैंकियल मीन गिल्स का जो स्केलेटन है, ब्रैंकिया कहते हैं गिल्स को, तो ये जो इसकी सीरीज ऑफ सैक्स हैं उसको गिल के जो स्केलेटन के अंदर जो है सपोर्ट किया जा रहा होता है। द नंबर ऑफ पेयर्ड पाउचीज वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम 6 to 14, यानी हम कह सकते हैं कि जो साइक्लोस्ट्रॉम्स हैं इनके अंदर 6 से 14 तक गिल पेयर्स यानी कि ये हो सकते हैं, जबकि जो बोनी फिशेज हैं इनके अंदर 4 से 5 तक मैक्सिमम हो सकते हैं, जबकि जो शार्क स्केट रेस हैं दे हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, यानी कि जो गिल्स के पेयर्स की तादाद है ये तीनों ग्रुप्स के अंदर वेरी करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ गिल्स, जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो प्रिमिटिव फिशेज हैं साइक्लोस्ट्रॉम्स उसमें ये जो उसके तीनों ग्रुप्स दिखाए गए हैं, डेलोस्ट्रोमा है, पेट्रोमाइजोन है, मिगजीन है, तो ये इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ गिल्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे डेलोस्ट्रोमा के अंदर 14 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, पेट्रोमाइजोन के अंदर 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, मिगजीन जो है उसके अंदर 6 पेयर ऑफ गिल्स हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज हैं, दे हैव 5 पेयर ऑफ गिल्स। लेकिन कुछ इसमें अब जैसे एक्सेप्शनल केसेज में जैसे हेक्सैंकस है उसके अंदर कितने होंगे, 6 पेयर ऑफ गिल्स, हेपटेंकस जो है उसके अंदर 7 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स पाए जाएंगे। इसी तरह से जो बोनी फिशेज हैं दे नेवर हैव मोर देन 5 पेयर्स, बोनी फिशेज में मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट अगर बोनी फिशेज को देखें दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, जैसे रोहू की आपको एग्जांपल दी थी लेबियो रोहिटा की। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइक्लोस्ट्रॉम्स, जिसमें आपने भी जो लास्ट स्लाइड में देखा था डेलोस्ट्रोमा था और पेट्रोमाइजोन था, इसी तरह से आपको जो है आप इनको देख सकते हैं। ये सबसे ए वाली जो डायग्राम है इट इज़ शोइंग द डेलोस्ट्रोमा विच हैव लाइट अपर्चर्स अलोंग एंटायर लेंथ आर म्यूकस पिट्स। अब इसमें म्यूकस पिट्स छोटे छोटे ये पाए जाते हैं विच आर लार्जर डार्क अपर्चर्स एंड ब्रैंकियल ओपनिंग्स भी आप इसकी देख सकते हैं। इसी तरह से बी में मैगजीन आपको दिखाई गई है, लेफ़्ट कॉमन ब्रैंकियल अपर्चर इज़ एट, तो इसी तरह से सी में आपको पेट्रोमाइजोन जो है वो दिखाई गई है। तो ये तीनों फिशेज़ को आप देख सकते हैं किस तरह की नज़र आ रही हैं, प्रिमिटिव यानी जो फिशेज़ हैं, जो मॉडर्न फिशेज़ नहीं हैं साइक्लोस्ट्रॉम्स। तो साइक्लोस्ट्रॉम्स के अंदर जैसे हैग फिशेज़ और लैम्प्रेज आ जाती हैं, तो अगर एक कॉमन हैग फिश को हम देखें तो इट हैव 12 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जैसे कि आपको ये ऊपर वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं, और इसके ये टेंटिकल्स हैं माउथ के पास एंड इट हैज़ म्यूकस ग्लैंड्स आल्सो
इसी तरह से जो लैम्प्रे है इसकी गिल ओपनिंग्स है 7 पेयर्स, आप देख सकते हैं कि इट हैज 7 पेयर्स ऑफ गिल ओपनिंग्स। तो नॉर्मली जो है जो हैग फिशीज हैं दे हैव 12 पेयर ऑफ गिल ओपनिंग्स वाइल द लैम्प्रे हैव 7 पेयर ऑफ गिल ओपनिंग्स। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बिग आइड 6 गिल शार्क, यानी ये उसका इमेज आपको दिखाया गया है कि बिग आइड 6 गिल शार्क जो है वो किस तरह की होती है, जिसको आपने टर्म को पहले पढ़ा था। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द गिल्स। तो कंपैरिजन गिल्स का किया गया है, गिल्स की डायमेंशन का, इन सेवरल टिलियोस्ट फिशेस। तो ये टिलियोस्ट फिशेस के आप नेम्स देख सकते हैं इस साइड पे। और पहला जो ग्रुप टिलियोस्ट का है जिसको मार्क किया गया है, वो स्लगिश स्पीशीज यानी जो स्लो मूविंग स्पीशीज़ हैं। दूसरा इसमें है एक्टिव स्पीशीज़ का ग्रुप। तीसरी इसमें एग्जाम्पल्स दी गई है वेरी एक्टिव स्पीशीज़ की। अब अगर हम इसमें थिकनेस देखें लमेले की, जो लमेला आपने डायग्राम इसकी देखी थी, लमेला क्या होता है ये आपको समझाया है लास्ट डायग्राम्स में और लास्ट स्लाइड्स के अंदर। तो जैसे जैसे स्लगिश फिशेस की तरफ से हम वेरी एक्टिव फिश की तरफ मूव करते चले जाते हैं, तो थिकनेस ऑफ लमेला जो है माइक्रोमीटर के अंदर वो भी कम होती चली जाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो आइस फिश है उसके अंदर थिकनेस ऑफ लमेला जो है वो 35 माइक्रोमीटर है। इसी तरह से कीनोसिफेलस एसिरेटस जो है उसके अंदर 25 है, अमेरियस निबोलोसस के अंदर 26 है, एंड सो ऑन। चलते चलते आप अगर लास्ट पे देखें तो एटलांटिक मैकिरल जो फिश है उसके अंदर जस्ट थिकनेस 5 माइक्रोमीटर रह जाती है लमेले की। इसी तरह से अगर यानी ये साइड पे भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं आपको समझाने के लिए कि लमेले थिकनेस गोज डाउन विद एक्टिविटी लेवल। तो इसको अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑल ऑक्सीजन इज टेकन अप वाया डिफ्यूजन एंड द अपटेक रेट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लमेले। अब लमेले का जितना सरफेस एरिया होगा ज़्यादा, उतनी ही ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ट्रैप होगी, जाहरी बात है। द थिकनेस ऑफ द गिल एपिथीलिया अक्रॉस विच द ऑक्सीजन डिफ्यूजिज एंड द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। यानी अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए ली जा रही है वो लमेले की थिकनेस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से गिल एपिथीलिया जो है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो कॉन्जिक्वेंटली हाईली एक्टिव फास्ट ग्रोइंग फिशीज टिपिकली हैव लार्जर गिल सरफेस एरियाज। यानी जो जितनी ज़्यादा जो मूवी तेज मूव करने वाली फिशेज होंगी उनके अंदर जो उनका गिल का सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होता चला जाएगा, एंड एक्स्ट्रा थिन गिल एपिथीलियल लेयर्स, और उनकी जो गिल्स की एपिथीलियल लेयर्स होंगी वो भी बहुत ही थिन होती चली जाएंगी। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें कि जो इनके दूसरी फिशेज हैं जिनके अंदर लमेले की थिकनेस ज़्यादा है, वो क्या हैं, स्लगिश फिशीज के ग्रुप्स में आती हैं। सो वी कैन से दैट इन मीटिंग द इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर टू एंड टू इंक्रीज द गिल सरफेस एरिया, फिशीज हैव टू मेन इवोल्यूशनरी ऑप्शंस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लमेले बाय स्पेसिंग देम मोर क्लोजली टुगेदर। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए या सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फिशेज ने क्या किया है, उनके अंदर जो एवोल्यूशनरी ऑप्शंस जो अवेलेबल हुई हैं उसमें क्या हुआ है कि नंबर ऑफ लमेले फिश ने इंक्रीज कर लिए हैं, और उनकी स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा क्लोज हो गई है। इस तरीके से अगर लमेले को पर मिलीमीटर में भी आप देखें तो उसकी स्पेसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 से 32 तक की तरफ जा रही है, यानी कि वो ज़्यादा होती चली जा रही है। और इसी तरह से और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द लमेला, तो लमेले की लेंथ भी इंक्रीज जैसे जैसे करती चली जाएगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ट्रैप होने की एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अब ये लमेले की अगर पर मिलीमीटर लेंथ हम देखें तो 32 तक जा रही है, 8 से स्टार्ट हुई है और 32 तक जा रही है, जो कि एक्टिव स्पीशीज़ के अंदर 32 है, यानी इस टेबल के अंदर अगर आप गौर करें तो। इसी तरह से द लेटर ऑप्शन इज़ सेल्डम फाउंड बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ द डेलीकेट लमेले। तो लमेला चूंकि बहुत डेलीकेट होता है तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, एंड सम ट्यूनर्स हैव इवॉल्व्ड लमेले दैट आर फ्यूज एट द टिप्स बिटवीन एडजेसेंट फिलामेंट्स टू ऐड रिजिडिटी। अब जो ट्यूना फिशेज हैं
उसमें क्या हुआ है कि लैमेले जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिलामेंट्स के साथ फ्यूज़ कर गए हैं, जिससे क्या होता है वो फिलामेंट्स काफ़ी मज़बूत हो गए हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट द लैमेले अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम हाई वेंटिलेटरी फ्लोज। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि लैमेले जो हैं वो ख़राब नहीं हो पाएंगे, वो जो वेंटिलेटरी फ्लो है उससे उन डैमेज नहीं हो पाएंगे। बोथ द क्लोज लमेलर स्पेसिंग एंड द थिन एपिथीलिया यूजली एसोसिएटेड विद द लमेले ऑफ एक्टिव फिश, यानी जितने भी क्लोज लमेलर स्पेसिंग हैं ये एपिथीलियम की लेयर जो थिन होगी वो आप देख सकते हैं कि एक्टिव फिशेज के अंदर जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी इस तरह से। एंड इट डिक्रीज द डिस्टेंस अक्रॉस विच ऑक्सीजन इन द वाटर मस्ट डिफ्यूज टू एंटर द ब्लड एंड देयर बाय इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इससे क्या होगा कि जब क्लोज स्पेसिंग हो जाएगी ये थिन एपिथेलिया जो होंगे तो इससे लमेले एक्टिव फिशेज के क्या कर जाएंगे, उनके अंदर डिस्टेंस जो है ऑक्सीजन का या वाटर फ्लो का वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड के अंदर, वो इससे क्या होगा आसानी से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर सकती ब्लड के अंदर फ्रॉम द वाटर। तो एक बहुत बड़ी इसके अंदर अडेप्टेशन पाई जाती है। एज ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द वाटर थ्रू द लमेलर सर्फेसिस एंड इन टू द रेलेटिवली ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, डिफ्यूजन स्लोज और स्टॉप्स इफ अ फ्रेश ऑक्सीजन रिच वाटर इज नॉट प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूअली टू दीज सर्फेसिस वाया गिल वेंटिलेशन। तो अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं दिया जाएगा तो वाटर जो होगा उससे क्या होगा ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाएगी और यानी कि डिफ्यूजन भी स्टॉप इस तरह से हो जाएगी, इसलिए वाटर जो है ऑक्सीजन रिच होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सारा प्रोसेस स्टॉप कर जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे, यानी इस स्लाइड को दोबारा मैं आपको जो है इसकी समरी बता देता हूँ कि जैसे जैसे लमेले की थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी विद द एक्टिविटी लेवल ऑफ द फिश, इसी तरह से लमेले का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा विद द एक्टिविटी ऑफ द फिश। स्लगिश फिशेज़ के अंदर इसका साइज़ इतना नहीं है, एक्टिव फिशेज़ के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और डिस्टेंस अगर हम लमेले का देखें तो वो भी कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे फिश एक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं वेरी एक्टिव स्पीशीज़ की तरफ, तो लमेले का साइज़ ये डिस्टेंस बिटवीन लमेले जो है माइक्रोमीटर के अंदर वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड लास्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन ब्लड एंड वाटर, वो जो है वो भी जो है वो कितना कम अब रह गया है, जो एक्टिव स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो ब्लड के दरमियान और वाटर के दरमियान जो डिस्टेंस है माइक्रोमीटर में वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि जो स्लगिश फिशीज़ हैं उनके अंदर वो 6 माइक्रोमीटर से शुरू हो रहा है और 10 भी है, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, और लेस देन 1 जो है वो जैसे जैसे एक्टिव स्पीशीज़ की तरफ हम जा रहे हैं तो ब्लड के दरमियान और वाटर के दरमियान माइक्रोमीटर में डिस्टेंस भी कम हो गया, यानी एफिशिएंट जो है वो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, काउंटर करंट फ्लो जो है वो एफिशिएंट इनके अंदर होगा, यानी जितनी फिश एक्टिव होगी उतना ही उसके अंदर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट होगा, उतने ही उसके गिल्स जो हैं वो एफिशिएंट वर्क करेंगे। सो द गिल्स आर टिश्यूज दैट आर लाइक शॉर्ट थ्रेड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिलामेंट्स। तो गिल्स क्या है, ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो शॉर्ट थ्रेड से मिलकर बने हुए हैं, अपने लास्ट स्लाइड्स में देखा था। दीज फिलामेंट्स हैव मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड वाटर एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स एंड अमोनिया। अमोनिया को भी यहीं से एक्सक्रीट किया जाता है, फिश के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया। ईच फिलामेंट कंटेन्स अ कैपिलरी नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने गिल लमेला देखा था स्लाइड के अंदर, तो आप वहाँ पे अब कैपिलरी नेटवर्क भी आपने देखा था कि वाटर फ्लो अपोजिट था ब्लड फ्लो के, काउंटर करंट फ्लो मैकानिज्म आपने देखा था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ गिल्स, गिल्स आर कैरिड राइट बिहाइंड द हेड। अब जो फिशीज़ हैं उनके बिल्कुल हेड के पीछे जो हैं यहाँ पे ये गिल्स आप देख सकते हैं पाए जाते हैं, बॉर्डरिंग द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अ सीरीज ऑफ ओपनिंग्स फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एक्सटीरियर। अब इसके ईसोफेगस से एक्सटीरियर की तरफ जो है इसमें बेशुमार ओपनिंग्स पाई जाती हैं। ईच गिल इज सपोर्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी गिल आर्च। अब ये गिल आर्चीज नीचे आपको डायग्राम में दिखाए गए थे जो कार्टिलेज से भी बने हो सकते हैं या बोन से मिलके भी बने हो सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ गिल्स, द गिल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स टिपिकली डिवेलप इन द वॉल्स ऑफ द फेरेंक्स अलोंग अ सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। यानी गिल्स जो हैं फेरेंक्स की वॉल्स के अंदर बनते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं दे डिवेलप गिल्स इन द वॉल्स ऑफ द फेरेंक्स।
इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ गिल्स, जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो प्रिमिटिव फिशीज़ हैं साइक्लोस्ट्रोम्स, उसमें ये जो उसके तीनों ग्रुप्स दिखाए गए हैं, डेलोस्ट्रोमा है, पेट्रोमाइजोन है, मिगजीन है, तो ये इनके अंदर जो नंबर ऑफ गिल्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे डेलोस्ट्रोमा के अंदर 14 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, पेट्रोमाइजोन के अंदर 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं, मिगजीन जो है उसके अंदर 6 पेयर ऑफ गिल्स हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशीज़ जो हैं जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज हैं, दे हैव 5 पेयर ऑफ गिल्स। लेकिन कुछ इसमें अब जैसे एक्सेप्शनल केसेस में जैसे हेक्सैंकस है उसके अंदर कितने होंगे, 6 पेयर ऑफ गिल्स, हेपटैंकस जो है उसके अंदर 7 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स पाए जाएंगे। इसी तरह से जो बोनी फिशीज़ हैं दे नेवर हैव मोर देन 5 पेयर्स, बोनी फिशीज़ में मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट अगर बोनी फिशीज़ को देखें दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, जैसे रोहू की आपको एग्जाम्पल दी थी, लेबियो रोहिटा की। द पम्पिंग मैकानिज़म इज़ नॉट द ओनली मैथड ऑफ वेंटिलेशन, शार्क्स हैव बीन ऑब्जर्व टू कीप बोथ माउथ एंड गिल फ्लैप्स ओपन वाइल स्विमिंग। यानी शार्क्स के अंदर क्या होता है कि वो अपने माउथ को भी ओपन रखती हैं और गिल फ्लैप्स को भी ओपन रखती हैं वाइल स्विमिंग, एनश्योरिंग अ कॉन्स्टेंट वाटर फ्लो अक्रॉस द गिल सर्फिस। यानी उनके अंदर क्या होता है कि शार्क्स का, जैसे आपको पहले बताया था कि उनके अंदर क्या होता है, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं जिनको वो ओपन रखती हैं। वेन दे स्लो डाउन और सेटल टू द बॉटम द पम्पिंग एक्टिविटी इज़ रेज्यूम्ड, ट्यूनास एंड मैकरल कैन नॉट स्टॉप स्विमिंग। यानी इनको मुसलसल अपना माउथ ओपन रख के ये पानी में मूव करती चली जाती हैं, बिकॉज दे हैव नो एक्टिव रेस्पायरेटरी मैकानिज़म, क्योंकि इनके गिल्स के बाहर ओपरकुलम नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए शार्क्स वगैरह को भी क्या करना पड़ता है, पानी के अंदर मुसलसल मूव करना पड़ता है, बिकॉज उसे प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है, एंड आर डिपेंडेंट फॉर देयर गिल वेंटिलेशन ऑन द करंट दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर फॉरवर्ड मोशन थ्रू द वाटर। तो इसीलिए ये मुसलसल मूव करती रहती हैं शार्क्स वगैरह भी, इसी तरह से मैकरल भी और जो ट्यूनास हैं, ये सारी फिशीज़ अपने माउथ को ओपन रखे पानी में मुसलसल मूव करती रहती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओपरकुला फॉर पम्पिंग वाटर, दैट्स वाई दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम इन द वाटर। मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन फिश, अ नंबर ऑफ फिशीज डिपेंड इन वेरिंग डिग्री ऑन एरियल रेस्पायरेशन। द एबिलिटी टू ब्रीद इन एयर इनेबल्स देम टू लिव इन प्लेसिस वेयर द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर मे बी लो और नील। यानी कुछ ऐसी फिशीज भी हैं जो कि एरियल रेस्पायरेशन करती हैं, यानी हवा से जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट या तो कम हो सकता है या बिल्कुल ही नील हो सकता है। टू जनरल मीन्स ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन आर एम्प्लॉयड। अब इनके अंदर दो तरह के जो हैं अडेप्टेशन हैं जिससे ये ऑक्सीजन को हासिल करती हैं। सम फिशेज स्टे नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर वेयर द ऑक्सीजन प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम सर्फेस डिफ्यूजन इज हाइएस्ट। अब कुछ फिशेज पानी में बिल्कुल उसकी सर्फेस के पास ही पाई जाती हैं, जहाँ पे हवा की ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे डिफ्यूजन के जरिए से वो ऑक्सीजन को मैक्सिमम हासिल कर सकती हैं। अदर्स हैव डिवेलप्ड एंसिलरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स इन द फेरेंक्स और द स्टमक। द गल्पिंग ऑफ एयर एट द सर्फेस इज अ मीन्स ऑफ चार्जिंग दीज रेस्पायरेटरी सर्फेसिस सच एज फेरेंजियल एपिथीलियम इन इलेक्ट्रोफोरस और द स्टमक इन प्लेकोस्टोमस। यानी कुछ फिशेज ऐसी हैं जिन्होंने असेसरी या आप कह सकते हैं कि मददगार या जैली जो हैं एयर ब्रीदिंग सर्फेसिस कुछ अपने अंदर बना ली हुई हैं, जैसे कि फेरेंजियल एपिथीलियम इलेक्ट्रोफोरस में पाई जाती है और स्टमक इन प्लेकोस्टोमस, जहाँ से वो रेस्पायर कर सकती हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच दीज फिशीज राइज टू द सर्फेस टू गल्प एयर कोरेस्पॉन्ड्स टू देयर करंट नीड फॉर ऑक्सीजन। अब जिस स्पीड के साथ वो सरफेस के ऊपर आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एथ्रीनस फिश। एरिथ्रीनस जो फिश है, इट इज़ आल्सो नोन एज रेड वुल्फ फिश एंड इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल स्पीशीज ऑफ फैमिली एरिथ्रीनिडी फ्रॉम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका की एक फिश है जो कि वाटर में भी रेस्पायर कर सकती है और एरियल रेस्पायरेशन भी कर सकती है।
अगर तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो फिश अपने गिल्स के ज़रिए रेस्पायरेशन नहीं करेगी, और अगर वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट हाई होगा तो फिश अपने गिल्स के ज़रिए से ही रेस्पायरेशन करेगी। लेकिन अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट भी हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी हाई हो तो फिश अपने गिल्स के ज़रिए रेस्पायरेशन इस केस में नहीं करेगी, बल्कि वो एरियल रेस्पायरेशन करेगी। इन अदर कंडीशंस इट यूजेस बोथ मोड्स ऑफ रेस्पायरेशन, यानी वैसे नॉर्मली ये दोनों तरह का ही रेस्पायरेशन करती, एरियल भी और वाटर के अंदर भी। दिस अपेरेंटली एक्सटेंड्स द रेंज ऑफ कंडीशंस इन विच एरिथ्रिनस कैन सर्वाइव। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द एरिथ्रिनस स्पीशीज ऑफ फिश विच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इन साउथ अमेरिका। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईल्स मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। ईल्स एंग्विला यूजेज देयर स्किन एज अ मेजर रेस्पायरेटरी सरफेस इन एडिशन टू देयर गिल्स। अब ये अपनी स्किन के जरिए भी सांस लेती हैं गिल्स के अलावा। इन वाटर अबाउट 15% ऑफ देयर ऑक्सीजन अपटेक इज अक्रॉस द स्किन एंड दिस राइजेज टू अराउंड 50% वैन इन एयर। तो वाटर में जब ये होती हैं तो अपनी स्किन के जरिए 15% रेस्पायरेशन करती हैं, जब ये एयर में होती हैं तो 50% तक ये जो है रेस्पायरेशन अपनी स्किन के जरिए कर सकती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग एक्सटेंसिव ओवरलैंड माइग्रेशंस ड्यूरिंग विच इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स दे ड्रा अपॉन ऑक्सीजन इन द स्विम ब्लैडर। जब इन्होंने बहुत लॉन्ग माइग्रेशंस पे जाना होता है तो ये क्या करती हैं, अपने स्विम ब्लैडर के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेती हैं। लाइक मोस्ट फिशीज ईल्स व्हेन आउट ऑफ वाटर एग्जिबिट अ रिड्यूस्ड हार्ट रेट एंड लेस ऑक्सीजन कंजप्शन। जब ये पानी से बाहर निकाल ली जाती हैं तो इनका हार्ट रेट भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम हो जाती है। व्हेन दे रिटर्न टू वाटर देयर हार्ट रेट राइजेज एंड बोथ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ब्लड लैक्टिक एसिड लेवल्स राइज। अब जब ये पानी से बाहर होती हैं तो इनकी ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की एबिलिटी, और इनके अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम देम सेल्व्स बाय बी मेटाबोलाइज थ्रू हायर ऑक्सीजन कंजप्शन। तो जब ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी तो लैक्टिक एसिड को भी इस तरह से कंज्यूम कर लिया जाएगा। सच पैटर्न्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ग्रूनियंस ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट दैट कम एशोर टू ब्रीड एंड इवन इन फ्लाइंग फिशिज ड्यूरिंग देयर ब्रीफ एरियल एक्सकर्शंस। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पायरेशन इन लंग फिशेज। द लंग फिशेज डिप्नोई आर रेमनेंट्स ऑफ द डिवोनियन पीरियड। अब ये बहुत पुरानी मछलियाँ हैं, बहुत ओल्ड यानी कि पीरियड्स के पे ये मौजूद थी ज़मीन के ऊपर। आपने ये पीरियड्स पढ़े हुए हैं तो डिवोनियन पीरियड से ये मौजूद हैं। एंड अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन वाटर एंड एयर ब्रीदर्स। अब ये एक दरमियानी हालत है, क्योंकि जैसे वाटर ब्रीदर्स तो फिशेज होती हैं ना जैसे नॉर्मल, और एयर ब्रीदर्स में ह्यूमन बींग्स हैं या एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह हैं। तो ये उनके दरमियान ट्रांजिशनल फॉर्म है, इन बिटवीन फॉर्म है। लाइक एम्फीबियंस दे रिलाई ऑन देयर बकल फोर्स पंप मैकानिज्म टू इन्फ्लेट द लंग। तो अब इनको अपने लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए क्या होता है कि बकल फोर्स यानी चीक्स के अंदर से जो है वो फोर्स पंपिंग मैकानिज्म होती है ऑक्सीजन की तो एयर की, तो उससे वो लंग्स इनके इन्फ्लेट कर जाते हैं। दे आर अडेप्टेड फॉर बाई मॉडल रेस्पायरेशन। बाई मॉडल मीन टू वे ऑफ रेस्पायरेशन, यानी ये वाटर में भी ब्रीद कर सकती हैं, एयर में भी ब्रीद कर सकती हैं। सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द एयर एक्सचेंज ऑर्गन आइदर गिल्स और लंग। तो अभी ये गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकती हैं और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकती हैं। लेकिन इसमें जेनरा के अंदर डिफरेंस हम आगे देखेंगे कि इसके जेनरा में भी डिफरेंस है कि कौन से जेनरा लंग्स और गिल्स से रेस्पायर दोनों से कर सकते हैं और कौन से सिर्फ लंग्स पे ही जो है वो रिलाय करते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पस। कैन पास टू द एफरेंट ब्रेंकियल सर्कुलेशन एंड देन टू द बॉडी टिश्यूज और कैन बी डिस्पैच्ड टू द लंग्स। द थ्री डिप्नोअन जेनरा डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलायंस ऑन द गिल्स और लंग्स। तो क्योंकि ये इनमें अब ऐसे है कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जो है वो ऑक्सीजन को अपटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है अपने गिल्स की मदद से, जबकि अफ्रीकन लंग फिश और साउथ अमेरिकन लंग फिश जो हैं इनके अंदर गिल्स जो हैं वो रिड्यूस हो चुके हुए हैं और वेंटिलेशन इनके अंदर सिर्फ लंग्स की मदद से ही होती है। सो इन द ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसिराटोडस जो इसकी जीनस है, द बल्क ऑफ ऑक्सीजन अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ बाय वे ऑफ वेल डेवलप्ड गिल्स। एंड इन केस ऑफ अफ्रीकन लंग फिश प्रोटोप्टेरस एंड द साउथ अमेरिकन लंग फिश लेपिडोसायरन, द गिल्स आर रिड्यूस्ड एंड वेंटिलेशन डिपेंड्स हैवीली ऑन द लंग्स।
In the latter two, which rely primarily on lung ventilation, separation of oxygenated and deoxygenated blood is much more complete than in the Australian lungfish. अब चूंकि ये दोनों जैनरा जो हैं प्रोटोप्टीरस और लेपिडोसायरन लंग फिशेज़ के, इनके अंदर ये सिर्फ लंग्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड गिल्स। इसीलिए अब इनके जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सेपरेट रखा जाता है जैसे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लंग फिश के अंदर ऐसा मैकानिज़म नहीं है ब्लड की सेपरेशन का कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड उसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड से सेपरेट रखा जाए। Now we will discuss about the adaptations of lung fishes during long periods of drought. जब खुश्क साली होती, water की availability बहुत कम होती है, both Protopterus and Lepidosiren genera build a subterranean cocoon. अब ज़ेरे ज़मीन जो है वो cocoon एक develop कर लेती हैं ये दोनों genera lung fishes की, that opens to the surface via a thin tunnel. एक tunnel के ज़रिए से वो ऊपर की तरफ open हुआ होता है जो आपको next slide में दिखाया जाएगा. They then enter into a state of aestivation in which metabolism, respiration and heart rate falls to low levels. यानी समर जो हाइबरनेशन होती है उसको एस्टिवेशन कहा जाता है, जिसमें इनका मेटाबॉलिज्म, इनकी रेस्पिरेशन रेट और हार्ट बीट जो है बहुत कम हो जाती है. दिस स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इनेबल्स द लंग फिश टू रिमेन वाइबल विदाउट फूड और वाटर फॉर मंथ्स और ईयर्स अनटिल द वाटर रिटर्न. तो इस तरह से वो जो है ज़ेरे ज़मीन जो है वो कई महीनों तक और साल तक भी रह सकती हैं जब तक कि पानी की कमी नहीं पूरी हो जाती या वाटर दोबारा नहीं आ जाता. द बोफिन एमिया कैल्वा हैज़ बोथ गिल्स एंड एन एयर ब्लैडर दैट मे बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. अब ये ऐसी फिश है जिसके अंदर गिल्स भी हैं और एयर ब्लैडर भी है जिससे ये रेस्पायर कर सकती है. बोफिन इट इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अ वाटर ब्रीदर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अ टेम्परेचर एट विच इट शोज लो फिजिकल एक्टिविटी. इट्स एयर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजिज विद द टेम्परेचर एंड एक्टिविटी एंड एट अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इट ड्रॉज अबाउट 3 times एज मच ऑक्सीजन फ्राम एयर एज फ्राम द वाटर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा ये ऑक्सीजन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही हासिल करना शुरू कर देगी बोफिन जो फिश है. एज इन लंग फिशिज कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ प्रीडोमिनेंटली अक्रॉस द गिल्स. The bowfin's air breathing frequency varies inversely with the oxygen content of the water. That is, when oxygen contentions in water decline below 40 or 50 millimeters of mercury at 20 degree centigrade, air breathing largely replaces water breathing. तो अब उसमें क्या होगा कि एयर ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जब पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन टेंशन जो है वो कम होती चली जाएगी 40 से 50%, तो ये फिश क्या करेगी एयर ब्रीदिंग स्टार्ट कर देगी. When an exchange surface gill or air bladder is not being utilized as the primary oxygen exchange site, there is a tendency for blood to bypass it. Now in this slide you can see the cocoon image of lung fishes कि वो किस तरह का होता है और कैसी उसकी शेप है. आप देख सकते हैं कि lung fish उसके अंदर है cocoon के अंदर. Now in this slide you are watching the image of bowfin fish. And bowfin fish Amia calva is also known as grindle, mudfish or dogfish. It is a fish of fresh water of in the order of MI forms and it is only a living representative of its family which dates back to Jurassic period. Ab ye Jurassic period se jo hai wo present hai zameen ke upar ye fish. This bowfin is a voracious fish found in sluggish North American waters from the Great Lakes southward to the Gulf of Mexico. यानी ये नॉर्थ अमेरिका की फिश है और ये काफ़ी स्लगिश फिश है. इन बोनी फिश द गिल्स लाई इन अ ब्रेंकियल चैम्बर कवर्ड बाई बोनी ओपरकुलम. अब जो बोनी फिशेज हैं इनके जो गिल्स होते हैं वो एक चैम्बर में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं ब्रेंकियल चैम्बर. ब्रेंकियल स्टैंड फॉर गिल्स, यानी गिल्स का चैम्बर भी कहा जा सकता है. द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ बोनी फिशेज स्पीशीज हैव 5 pair ऑफ गिल्स. मोस्टली फिशेज के अंदर यानी 5 pair ऑफ गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे रोहू वगैरह है उनके अंदर 4 pair ऑफ गिल्स भी पाए जाते हैं और बोनी फिशेज में 5 pair ऑफ गिल्स से ज़्यादा नहीं हो सकते. ऑल्दो फ्यू हैव लॉस्ट सम ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कुछ में कम हो चुके हुए हैं. द ओपरकुलम कैन बी इम्पोर्टेंट इन एडजस्टिंग द प्रेशर ऑफ वाटर इन साइड द फेरेंक्स टू अलाउ प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द गिल्स.
अब जो बोनी फिशीज़ हैं इनके गिल्स के बाहर एक ओपरकुलम पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जब माउथ से फिश वाटर को लेके जा रही होती है तो उस वाटर का प्रेशर जो है वो गिल्स के अंदर मेंटेन रहता है, सो दैट बोनी फिशेज डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन रैम वेंटिलेशन। अब इनको अपना माउथ यानी ओपन ही रखना पड़ता है, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशीज़ जो हैं दे एग्जिबिट रैम वेंटिलेशन, यानी शार्क्स हैं जो या ट्यूना वगैरह हैं वो जब वाटर में स्विम कर रही होती हैं तो अपने माउथ को ओपन रखती हैं फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, तो हैंस नियर कॉन्स्टेंट मोशन टू ब्रीद। और उनको क्या होता है कि उनको मुसलसल पानी के अंदर मूव करना पड़ता है क्योंकि उनके गिल्स के ऊपर गिल कवरिंग या ओपरकुलम नहीं पाया जाता है और वाटर का प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है, इसी वजह से जो है उनको पानी के अंदर मुसलसल मूव करना पड़ता है गिल्स के अंदर प्रेशर को बिल्डअप रखने के लिए। वॉल्स इनसाइड द माउथ कीप द वाटर फ्रॉम एस्केपिंग। अब इनके जो माउथ के अंदर वॉल्स होते हैं वो वाटर को वापस जाने से प्रिवेंट करते हैं। द गिल आर्चीज ऑफ बोनी फिशीज टिपिकली हैव नो सेप्टम। जो बोनी फिशीज हैं इनके गिल आर्च के अंदर कोई सेप्टम या क्रॉस वॉल नहीं होती, सो द गिल्स एलोन प्रोजेक्ट फ्रॉम द आर्च सपोर्टेड बाय इंडिविजुअल गिल रेज। या आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि किस तरह का बोनी फिशीज के गिल्स होते हैं। सम स्पीशीज रिटेन गिल रैकर्स। अब गिल रैकर्स क्या है, ये आपको स्टम्पी स्ट्रक्चर्स दिखाई थी कुछ फिशीज के अंदर जो पाई जाती हैं। दो ऑल बट द मोस्ट प्रिमिटिव बोनी फिशीज लैक आ स्पाइरैकल, जो यानी साइक्लोस्ट्रोम्स हैं उनके अंदर स्पाइरैकल नहीं पाया जाता है। द सूडो ब्रांच एसोसिएटेड विद इट ऑफन रिमेन्स बींग लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ओपोरकुलम। दिस इज हाउएवर ऑफन ग्रेटली रिड्यूस्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल मैस ऑफ सेल्स विदाउट एनी रिमेनिंग गिल लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसा कि पहले आपको इमेज के साथ समझाया था कि काउंटर करंट फ्लो क्या होता है, अब थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई, मेंशन की गई है। फिश ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम द सी वाटर टू देयर ब्लड यूजिंग अ हाईली एफिशिएंट मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द गिल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज इन द लमेले। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज ऑलवेज एनकाउंटर्स वाटर विद अ हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अलाउंग डिफ्यूजन टू अकर ऑल द वे अलोंग अलोंग द लमेले। एज अ रिजल्ट द गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट ओवर 80% ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर। मरीन टेलियोस्ट ऑल्सो यूज गिल्स टू एक्सक्रीट इलेक्ट्रोलाइट्स। द गिल्स लार्ज सर्फेस एरिया टेंड्स टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द फिश दैट सीक टू रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ देयर इंटरनल फ्लूइड्स। सॉल्ट वाटर इज लेस डाइल्यूट दैन दीज इंटरनल फ्लूइड्स, सो सॉल्ट वाटर फिश लूज लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर ऑस्मोटिकली थ्रू देयर गिल्स। अब जो सॉल्ट वाटर फिशीज हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर को एक्सक्रीट करती चली जाती हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर सल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो क्या होती है, कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है। अब जिस तरफ सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसी तरफ वाटर मूव करेगा, तो इसीलिए फिश की बॉडी से जो है वो वाटर की लार्ज क्वांटिटी जो है वो अपने गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगी। टू रिगेन द वाटर दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट्स ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट द साल्ट, और साल्ट को वो रिमूव करती चली जाती हैं। फ्रेश वाटर इज मोर डाइल्यूट देन द इंटरनल फ्लूइड्स ऑफ द फिश, हाउएवर सो फ्रेश वाटर फिश गेन वाटर ऑस्मोटिकली थ्रू देयर गिल्स। अब फ्रेश वाटर फिशेज को जो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर वाटर की एंट्री ज़्यादा होगी क्योंकि बाहर साल्ट कंसनट्रेशन कम है, अंदर उसकी बॉडी के ज़्यादा है, जबकि सी वाटर या मरीन फिशीज को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी बॉडी के बाहर अगर सी को देखा जाए तो उसमें सल्यूट कंसनट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हैं और उसके बॉडी के अंदर क्या है, कम है, तो इसलिए वाटर मूव कर उसकी बॉडी से बाहर की तरफ उनकी करता चला जाता है।